उल्टा झाड़ू। दर्शकों, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो नौकरियां करते हैं, और उन सब लोगों के लिए भी है जो नौकरियां देते हैं। कभी सैलरी कट हुई है आपकी, क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया दफ्तर में? टिंग टोंग। वैसे आपको सबको ये याद दिला दूं कि ये वीडियो उन आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स, जो आम आदमी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, इनके लिए नहीं है। और ये भी बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी को जो डिसलाइक करते हैं झाड़ू के नाम पर, क्योंकि वो झाड़ू आम आदमी पार्टी के सिंबल है ना पॉलिटिकल, ये उन लोगों के लिए भी नहीं है वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी कभी ना कभी तनख्वाह कटी है दफ्तर में किसी ना किसी काम के लिए, या उन लोगों के लिए जिन्होंने एम्प्लॉयर्स हैं, जो जिन्होंने किसी ना किसी की तनख्वाह काटी। आज आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। हमारे घर में एक डोमेस्टिक हेल्प हैं, काम करने आती हैं, काफ़ी सालों से आती हैं। अक्सर वो कहती हैं, भैया झाड़ू पुराना हो गया, नया झाड़ू ले आओ। तो मैंने उनको पूछ लिया, मैंने कहा, दीदी ये झाड़ू तो अभी वो जो फूल झाड़ू होता है ना, जो मैंने आपको दिखाया शुरू में, मैंने कहा, दीदी ये झाड़ू तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही लाया था। कहती, हाँ भैया वो उल्टा पड़ा रहता है ना, तो वो टेढ़ा होके बेंड हो जाता है। मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा, दीदी झाड़ू आप लोहे के भाव रखा करो ना, ताकि जो ऊपर का बेंड होने वाला पार्ट है वो सीधा रहे, वो जमीन पे मत डाला करो उसको। दीदी ने कहा, ठीक है। एक बारी हुआ, दूसरी बारी हुआ, तीसरी बारी दीदी ने वही गलती करी। आज जब दीदी आई तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, दीदी जब आपका बेटा गलती करता है तो आप उसको क्या करते हो? कहती, चिल्लाती हूँ। मैंने कहा, कभी हाथ उठाया? बोली, नहीं। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, जब दूसरी बारी वो वही गलती करे जिसके ऊपर आप पहली बार चिल्ला चुकी हो, फिर आप क्या करते हो? बोली, और चिल्लाती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, हाथ नहीं उठाते? बोले, नहीं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, दीदी अगर वो तीसरी बारी वही गलती करे जिसके बारे में आप उसको 2 बारी पहले समझा चुके हो, फिर आप क्या करते हो? तो बोली, फिर तो कई बार लगाना ही पड़ जाता है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, दीदी आज तक कभी मैंने आपसे जोर से बोला है? बोले, नहीं। मैंने कहा, हाथ उठाने की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन ये गलती आप 3 बारी बताने के बावजूद कर रहे हो, तो आप ही बताओ कि आपकी पेनल्टी क्या होनी चाहिए। बोली, भैया आपने बहुत प्यार से सिखाया आज, अगर मैं आज के बाद कभी भी झाड़ू उल्टा रखूं तो मेरी तनख्वाह में से 100 रुपए काट लेना। आपको क्या लगता है मुझे तनख्वाह काट के किसी की मजा आएगा? क्या 100 रुपये मैं दुनिया का राजा बन जाऊंगा, या 100 रुपये कटा के दीदी की जिंदगी सड़क पे आ जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। किसी इंप्लॉयर को पैसे काट के अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इंप्लॉयी खुद की गलती मान ले और रिपीटेडली कर रहा हो तब मान ले, और अपने ऊपर पेनल्टी खुद ही लगाए, तब गलती होने की कभी दोबारा गुंजाइश नहीं होती। ये एक मैनेजमेंट वीडियो है। लोग कहते हैं रॉबिनहुड यूथ को मोटिवेट करने के लिए कुछ वीडियोस बनाया करो, ऑफिस सिनारियोज के कोई वीडियोस बनाया करो। ये है आपके ऑफिस सिनारियो का वीडियो। अब टैग कर दो अपने दोस्तों को, अपने एम्प्लॉयर्स को, और जहां जहां हो सके अपनी किसी टीम मीटिंग में वीडियो चला जरूर देना। तब ना गलतियां होंगी बार बार, और ना किसी की सैलरी कटेगी। जय जय।